हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्पित एंड आप देख रहे हैं स्टूडेंट यार्ड, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं इंडियाज बेस्ट स्टेशनरी वीडियोस। आज का ये जो वीडियो होने वाला है, इट इज़ गोइंग टू बी अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड ऑन फाउंटेन पेन्स। आज हम आपको पता करने में मदद करेंगे कि कैसे एक फाउंटेन पेन, एक रोलर बॉल, एक बॉल पेन या फिर एक जेल पेन से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है। एंड अगर आप एक फाउंटेन पेन लेना चाहते हैं तो एग्जैक्टली क्या वो बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अबाउट पार्ट्स ऑफ फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन में क्या क्या डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फाउंटेन पेन ओवर अदर टाइप्स ऑफ पेन, है ना। एंड लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि आपके लिए कौन कौन सा फाउंटेन पेन सही हो सकता है। तो ये जो वीडियो होने वाला है, आगे जितने भी फाउंटेन पेन के वीडियोस आएंगे, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दोस वीडियोस गाइस, क्योंकि फाउंटेन पेन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ रोलर बॉल और अ बॉल पेन। एंड आज आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है गाइस, तो आपने जो हमें सपोर्ट दिया है, इसी तरह का सपोर्ट बरकरार रखें एंड चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, है ना, जिससे हम आपके लिए ऐसे ही और ज्यादा क्वालिटी वीडियोस प्रोड्यूस कर पाए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो गाइस, सबसे पहला जो पार्ट होने वाला है, इट इज़ गोइंग टू बी अबाउट द पार्ट्स ऑफ फाउंटेन पेन। हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि एक फाउंटेन पेन में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे होंगे, हमने एक फाउंटेन पेन, लेफ्ट में फाउंटेन पेन आपको दिख रहे हैं एंड उसको ओपन कर दिया, अलग अलग सेक्शन को दिखाने की कोशिश की है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये जो फाउंटेन पेन दिख रहे हैं, ये जो दो फाउंटेन पेन है, इसके नीचे से चालू करते हैं। तो सबसे जो नीचे वाला सेक्शन आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं गाइस बैरल। ये होता है बैरल, इसको आप ओपन करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखता है, है ना। फिर अपन जब फाउंटेन पेन को ओपन करते हैं तो बैरल होता है एंड ये कैप तो आपको पता ही होगा, है ना, ये इसका कैप है। कैप के ऊपर अगर आप देखेंगे, ये वाला जो सेक्शन आपको दिख रहा है ना, जिसको आप अपने टी शर्ट में लगाते हैं, तो इसको बोलते हैं क्लिप। तो बैरल एंड क्लिप के बीच में अगर इसको जब हम ओपन करते हैं, तो हमको यहाँ पे देखने को मिलती है कुछ ऐसी चीज़। अब ये क्या है, तो इसमें काफ़ी सारे पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। बाहर से तो सिर्फ आपको इतना ही दिखता है, लेकिन ये बैरल के अंदर का सेक्शन आपको यहाँ पे दिखेगा। तो ये जो नीचे वाली चीज़ आप देख रहे हैं, इनको बोलते हैं कन्वर्टर्स। अब ये क्या होते हैं, ये जो तीन चीज़ आपको दिख रही है, यहाँ पे दो एडिशनल चीज़ें हैं, दीज आर नोन एज कन्वर्टर्स गाइस। कन्वर्टर्स क्या करते हैं, हम जो इंक फिल करते हैं, तो कन्वर्टर्स बेसिकली इंक स्टोरेज के लिए होते हैं। ये काफ़ी सारे टाइप के आते हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिख सकते हैं, दिस इज़ अ स्क्वीज टाइप कन्वर्टर, इसको आप ऐसे दबा के एंड इंक फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो दूसरा वाला देख रहे हैं, दीज आर पिस्टन कन्वर्टर्स, इनमें क्या होता है, इनको आप रोल कर सकते हैं एंड ये इंक को सक इन कर लेते हैं। उसके बाद अगर आप बॉटल्ड इंक यूज़ नहीं करना चाहते हैं, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं कार्ट्रिजेस, तो यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन होता है, विच इज़ दीज कार्ट्रिजेस। अब इन कार्ट्रिजेस का क्या फ़ायदा होता है, इनमें इंक प्री फिल्ड आती है, ऑलरेडी इंक भरी हुई, आपको फिल नहीं करना पड़ती। आप सीधे इनको अपने पेन में कनेक्ट करके एंड यू आर रेडी टू गो। आप ये काफ़ी सारे कलर्स में आपको मिल जाती है एंड ये थोड़ी सी हैजल फ्री होती है, बट एज कम्पेयर टू कन्वर्टर्स ये कभी कभी थोड़ी ज़्यादा महंगी पड़ती है ना, एंड क्योंकि आप इसमें बॉटल्ड इंक ले सकते हैं एंड आप कितनी भी बार इसको फिल कर सकते हैं, कार्ट्रिजेस को आप रिफिल नहीं कर पाएंगे, है ना। कभी कभी हो भी जाती है, बट इट इज़ नॉट मेजरली पॉसिबल, ठीक है। तो ये हमने काफ़ी सारे सेक्शन देखे, बढ़ते हैं ऊपर की ओर। तो इंक स्टोरेज के बारे में अब आपको पता चल गया है। अगर मैं ऊपर आपको बताऊं, तो ये वाला जो चीज़ है, इसको बोला जाता है गाइस सेक्शन, है ना, ग्रिप सेक्शन भी इसको बोला जाता है। तो ये बेसिकली जब आप पकड़ते हैं पेन को, तो आपको ग्रिप बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, है ना। ग्रिप सेक्शन के अगर आप अंदर देखेंगे, अंदर आपको ये कुछ ऐसी चीज़ दिखती है, इसको बोला जाता है गाइस फीड। फीड क्या करती है, आपका जो इंक स्टोरेज है, इंक स्टोरेज से इंक को आपके निब तक लाने का काम फीड कर रहता है, है ना। फीड में भी काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं, विंग्स, सेक्शंस, उनके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम मान लेते हैं ये फीड होती है। उसके आगे हम जब बढ़ेंगे, तो ये जो ऊपर वाला सेक्शन आप देख रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है एक फाउंटेन पेन का, जो कि है उसकी निब। यहाँ पे अब आप निब देखेंगे, तो ये जो ऊपर दिख रहा है आपको, ये इसकी निब है, यहाँ पे एक होल होता है एंड इससे इंक बेसिकली फीड से आके पेपर पे जाती है। अब ये जो इंक होती है, ये जो सॉरी निब होती है, ये निब काफ़ी सारे टाइप की होती है। मेनली गाइस ये जो निब बनाई जाती हैं, ये या तो गोल्ड मटेरियल इसमें यूज़ किया जाता है या फिर स्टेनलेस स्टील यूज़ किया जाता है, है ना। गोल्ड निब्स जो होते हैं वो थोड़े से सॉफ्ट होते हैं और बेसिकली आपको फ्लेक्सिबिलिटी थोड़े से ज़्यादा मिल जाती है, एंड स्टेनलेस स्टील के जो निब्स होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, है ना। और निब में भी अगर आप थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, तो आप अगर इसका पॉइंट देखेंगे, तो यहाँ पे जो इसका टिप है, जो पॉइंट है, वो जनरली इरिडियम का बनाया जाता है। इरिडियम इज अ वेरी हार्ड मेटल। तो क्या होता है, जब आप पेपर पे लिखते हैं, तो सबसे ज़्यादा वियर एंड टियर जिस पॉइंट पे होता है, जिस टिप पे होगा, वो आपका ये पॉइंट ही होता है, क्योंकि सारा की सारा लोड इस पॉइंट को लेना पड़ता है। तो वी हैव टू मेक श्योर कि यहाँ पे कोई हार्ड सब्सटेंस यूज हो। तो यहाँ पे आपका निब्स में इरिडियम यूज़ किया जाता है।
अब ये जो निब्स आते हैं ये काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं। निब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाला हमारे पास एक पेन है, यहाँ पे आप जो निब देखेंगे दिस इज़ अ मीडियम निब, और वहीं पे ये जो आप निब देख रहे हैं दिस इज़ अ फाइन निब। ऐसे ही गाइस कई सारे टाइप के निब्स आते हैं, एक्स्ट्रा फाइन, ब्रॉड, है ना, पतले और मोटे और मोटे और मोटे, तो बहुत सारी कैटेगरी, एक्स्ट्रा फाइन, फाइन, मीडियम, ब्रॉड, स्टब निब्स, तो एक बहुत बड़ी कैटेगरी आती है। लेकिन जनरली हम जो रेगुलर लाइफ में कन्वेंशनल लाइटिंग के लिए जो हम यूज़ करेंगे दीज आर एक्स्ट्रा फाइन, फाइन एंड मीडियम निब्स, जनरली आप जो नोट्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। निब्स के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि हम लेटर ऑन किसी वीडियो में कवर अप करेंगे। तो गाइज ये हमने यहाँ पे देखा कि एक फाउंटेन पेन के मेजर पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो ये जो पार्ट्स हैं इनके बारे में नॉलेज होना ही आपको फाउंटेन पेन लेने में काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है। अब ये जो मटेरियल यूज़ होता है बैरल में, तो ये काफ़ी सारे टाइप के फाउंटेन पेन आते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक मेटालिक बैरल है ना, ये पेन मेटालिक है। ऐसे ही आपको काफ़ी सारे पेन हैं जो प्लास्टिक बॉडी में भी देखने को मिल जाते हैं, एल्यूमिनियम में भी देखने को मिल जाते हैं। तो काफ़ी सारे मटेरियल से फाउंटेन पेन को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है ना। एंड इसीलिए ही गाइस अब आप सोच रहे होंगे इनकी निब में गोल्ड भी यूज होता है, इसलिए आप देखते होंगे कि कुछ फाउंटेन पेन का जो प्राइस होता है वो काफ़ी ज़्यादा चला जाता है। मतलब बॉल पेन और रोल बॉल पेन कंपैरेटिवली चीप होते हैं, फाउंटेन पेन कई बार ना काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाते हैं। रीज़न यही होता है कि जो उनकी क्राफ्टमैनशिप होती है एक फाउंटेन पेन को बनाने में, जो नक्काशी वगैरह, जो क्राफ्टमैनशिप होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है ना। एंड इनके जो मटेरियल्स यूज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम होते हैं। तो ये तो हमने देखा फाउंटेन पेन के पार्ट्स के बारे में, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट के ऊपर। ओके, तो अब बात कर लेते हैं कि आपको एक फाउंटेन पेन क्यों लेना चाहिए। तो एक फाउंटेन पेन से लिखने का जो एक्सपीरियंस होता है इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम राइटिंग विद अ बॉल पेन और अ जेल पेन। एक फाउंटेन पेन का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कंट्रोल एंड कस्टमाइजेशन। एक फाउंटेन पेन आपको काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन के ऑप्शन देता है। यू कैन चेंज द निब्स, यू हैव डिफरेंट सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स, काफ़ी सारे मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, मेटल, प्लास्टिक्स, है ना। निब के ऑप्शंस आपके पास काफ़ी सारे हैं, एक्स्ट्रा फाइन निब, मीडियम निब, ब्रॉड निब्स, है ना, फाइन निब्स। तो काफ़ी ज़्यादा आप अपनी हैंडराइटिंग को अगर आप लिखते हैं तो आप निब चेंज कर सकते हैं एंड अपनी हैंडराइटिंग को अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। तो जो कंट्रोल आपको एक फाउंटेन पेन देगा, आपकी राइटिंग के ऊपर एक जो कंट्रोल आता है फाउंटेन पेन से, वो एक नॉर्मल बॉल या जेल पेन नहीं दे पाता है। क्योंकि नॉर्मल बॉल और जेल पेन में या फिर एक रोलर बॉल में बॉल्स होती हैं जिनसे आप लिखते हैं, एंड साथ ही साथ आपको थोड़ा ज़्यादा प्रेशर भी लगाना पड़ता है ना। बट क्योंकि एक फाउंटेन पेन लिक्विड इंक यूज़ करता है तो इसमें आपको बहुत मिनिमल प्रेशर लगाना पड़ता है ना, आप बहुत स्मूथली उससे लिख पाते हैं। साथ ही साथ अगला जो पॉइंट फाउंटेन पेन के साथ होता है दैट इज पर्सनैलिटी एनहेंसमेंट। अब आप पूछेंगे कि इसका क्या मतलब है। अगर आप जनरली किसी को एक बॉल पेन से लिखते हुए देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा अलग लगता है, लेकिन वहीं पे अगर कोई इस पेन से लिख रहा है, आप किसी ऑफिस में गए, तो उसकी जो इमेज क्रिएट होगी आपकी पर्सनैलिटी को एनहेंस करने में, वो एक जो फाउंटेन पेन काम करेगा वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अ रोलर बॉल एंड बॉल पेन। ऐसा नहीं है, रोलर बॉल एंड बॉल पेन्स भी काफ़ी अच्छे आते हैं, बट एक फाउंटेन पेन जो एलिगेंट लुक क्रिएट करता है, एक जेंटलमैन जो लुक क्रिएट करता है, इट इज़ वेरी डिफरेंट दैट फ्रॉम अ रोलर बॉल और अ बॉल पेन। तो गाइज एक फाउंटेन पेन आपकी पर्सनैलिटी को एनहेंस करने में भी काफ़ी ज़्यादा मददगार होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो एक फाउंटेन पेन को एक नॉर्मल रोलर बॉल से डिफरेंट बनाते हैं। अब एडवांटेजेस हैं तो डेफिनेटली कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। कुछ डिसएडवांटेजेस ये हैं कि ये जो फाउंटेन पेन है, जैसे मैंने आपको बताया, ये लिक्विड इंक यूज़ करता है तो ये स्मज भी जल्दी हो जाता है क्योंकि इंक इतनी जल्दी ड्राई नहीं होती है। अगर आपको ऐसा चाहिए पेन जो जल्दी ड्राई हो जाए तो आप एक्स्ट्रा फाइन या फाइन निब्स के लिए जा सकते हैं, जो कि हम अपकमिंग वीडियोस में आपको बताने वाले हैं कि हर टाइप के फाउंटेन पेन के बारे में। दूसरा ड्रॉबैक होता है फाउंटेन पेन रिलेटिवली कॉस्टली होते हैं। अगर आपको एक अच्छा फाउंटेन पेन चाहिए तो अराउंड आपको 500 से लेकर 1000 रुपीज़ तक मिनिमम स्पेंड करने पड़ेंगे एक प्रॉपर फाउंटेन पेन लेने के लिए। तो अब आप सोचेंगे कि फाउंटेन पेन 50-60 रुपीस में भी आते हैं। हाँ आते हैं डेफिनेटली, अब कंपटीशन बहुत बढ़ गया है तो आपको अंडर 100 भी काफ़ी सारे फाउंटेन पेन मिल जाते हैं, और इनके लिए हम एक रिव्यू भी बहुत जल्द लाने वाले हैं, आप सबकी काफ़ी रिक्वेस्ट है। बट अगेन रिलेटिवली अगर आपको अच्छा पेन चाहिए तो एक रोलर बॉल से आपको थोड़ा सा ज़्यादा पैसे एक फाउंटेन पेन में लगाने पड़ते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट इज़ फाउंटेन पेन की केयर बहुत करनी पड़ती है। आप उसको जैसे एक रोलर बॉल को हम ड्रॉप कर देते हैं, गिरा देते हैं, इतना रफली यूज़ हम एक फाउंटेन पेन को नहीं कर सकते। फाउंटेन पेन में जो मटेरियल यूज़ होते हैं वो ख़राब हो सकते हैं, एंड उसकी जो अगर निब के ऊपर वो गिरता है तो डेफिनेटली निब भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकती है एंड वो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ सकता है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो फाउंटेन पेन के यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे जो फाउंटेन पेन के फेवर में नहीं जाते हैं। बट फिर भी मैं यही कहूँगा कि अगर आपको एक ऐसा पेन चाहिए जिसमें आप अपनी हैंडराइटिंग को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकें एंड यू वांट टू एक्सपीरियंस अ ट्रू राइटिंग एक्सपीरियंस, देन गाइज अ फाउंटेन पेन इज अ मच नीडेड टूल।
तो गाइज आई होप आपको इस वीडियो में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई होंगी। अगर आपको इस वीडियो से आपका नॉलेज अबाउट फाउंटेन पेन्स एनहेंस हुआ है तो डेफिनेटली गाइज चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका ये जो लव एंड सपोर्ट है ये हमको मोटिवेट करता है ऐसे ही काफ़ी सारे पेन आपके लिए लाने के लिए एंड इनका एक अच्छा रिव्यू आपके लिए बनाने के लिए। और साथ ही साथ आपके फाउंटेन पेन के बारे में क्या व्यूज़ है ये मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। आप में से काफ़ी लोग बहुत अच्छे कॉमेंट्स करते हैं, अपना नॉलेज शेयर करते हैं, ये आपका नॉलेज काफ़ी सारे लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो बिल्कुल कमेंट करें एंड अपना नॉलेज शेयर करना भूलें ना। मैं मिलूंगा आपको गाइस आने वाले फाउंटेन पेन के रिव्यूज़ में अंडर 100, अंडर 200, अंडर 500, अंडर 1000, अंडर 10000 काफ़ी सारे रिव्यूज़ हम आपके लिए लेके आने वाले हैं ऑन फाउंटेन पेन्स। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।